चंद्रशेखर को बुला दे, दो मिनट के लिए इसको, चंद्रशेखर दो मिनट। अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए, पक्षपात होता है सर, इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा? गांव में प्रतिभा कमी नहीं है, इनको कुचलाना जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल और SC/ST OBC के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए? होता सर जाति तो है, जहाँ कक्षा एक से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है, तो उस देश में जाति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? जाति के आधार पे मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूले सर। चंद्रशेखर को बुला दे, दो मिनट के लिए इसको, चंद्रशेखर श्री चंद्रशेखर दो मिनट। हो गया ऑन, होगा आप बोले। माननीय सभापति जी, आखिरी तक कर दिया है आपने, मैं तो 3.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। सौभाग्यशाली आपको अवसर मिल गया प्रेमचंद, आप चेयर पे बैठे और अवसर ना मिले ये तो बहुत धन्यवाद। आप तो नए मेंबर्स के लिए अवसर पैदा करते ही हैं सर। सबसे पहले तो मैं पेरिस ओलंपिक खेलों में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ, और सरकार का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो स्टेडियम है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियाँ हैं, और प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है सर। हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे मगर अवसर ही नहीं मिला, अब यहाँ आने में भी बहुत समय लगा, सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े, इसके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। अभी क्या योजना है उसमें? आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई बढ़ाई जाती है, आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई चलेगी। 6 बज रहा है, अच्छा ठीक, सदन समाप्त हो जाता है लेकिन आपकी स्पीच शुरू हो गई, तो आपकी स्पीच तक सदन की कार्रवाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कृपया तो सभापति जी 5 मिनट में कर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना भी चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल और SC/ST OBC के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए तथा इस संबंध में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव? क्या उक्त श्रेणी खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा अलग से कोई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव? उक्त खेलों में अलग अलग स्पर्धाओं में उक्त श्रेणी के कुल कितने खिलाड़ियों को भेजे जाने का प्रस्ताव है तथा इन सब खिलाड़ियों का श्रेणीवार कुल कितना प्रतिनिधित्व रहेगा? साथ साथ अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर जाति तो है, जहाँ कक्षा एक से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है, तो उस देश में जाति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? जाति के आधार पे मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी, और वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। सासा सर, साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूले सर। मेरा मानना ये है, आप दादा आप बीच में, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड मिस्टर, माने छोड़िए आप मेरी तरफ देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मैं नगीना सहारनपुर सर, मैं उधर जहां से मैं आता हूं सर, उस क्षेत्र में मैं गांव में जाता हूं, बहुत प्रतिभाएं सर लेकिन अवसर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम सरकार से आग्रह कि वो देखे गांव में प्रतिभा कमी नहीं है, इनको कुचला ना जाए, क्योंकि पक्षपात होता है सर, इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा? अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय, और आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 23 जुलाई 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।